नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस की वीडियो में मैं सी अमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का दिन निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए एक बुलिश ट्रेड था। हमने भी एक्चुअली ग्रीन में क्लोज दिया है 2397 का इंट्राडे प्रॉफिट हमने आज अचीव किया है। दो ट्रेड इसमें मैंने लिए थे। आपको यहाँ पे मेरी पोजीशंस दिख रही होगी, जहां पे आपको ना बड़े बड़े लॉसेस दिख रहे हैं, लाइक 21,000 22,000। प्रॉफिट्स भी उतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, बट लेट मी टेल यू माय डियर, इतने बड़े लॉसेस हमने इनकर नहीं किए। मैंने जो ट्रेड किए थे वो स्प्रेड में ट्रेड किए थे। सी बीइंग एन ऑप्शन सेलर, जब इंडिया विक्स बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा नॉलेज आपको दे रहा हूँ, इसको अगर पावरफुल लगे तो मुझे जरूर बताना। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है, जैसे हम यहाँ पे भी देख रहे हो, अभी ये मार्केट ऑन है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3:22 पे मैंने पोजिशन क्लोज कर दी है, बट मार्केट हैज नॉट क्लोज्ड येट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया विक्स 3% से बढ़ा है, ऑलमोस्ट 3.5% से। और जब इंडिया विक्स बढ़ रहा है, जब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, इट इज नॉट गुड साइन फॉर एन ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर को वहां पे थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। अगर आपको ये बात से कुछ लर्निंग मिली तो प्लीज टाइप लर्निंग इन द कमेंट बॉक्स। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक हेज क्रिएट करता हूँ, रादर देन सेलिंग नेकेड ऑप्शंस, मैं एक हेज पोजिशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं अपनी ऑर्डर बुक में आपको ले जाता हूँ। सबसे पहले 11:55 को मैंने एक बेरिश स्प्रेड क्रिएट किया था। देखिए मैंने क्या किया, 11:55:13 को मैंने 20,750 का कॉल बाय किया। ये एक्चुअली मेरा हेज लेग था, और जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन वो थी 20,700 का कॉल सेल। तो जो पेयर बनी वो ये थी, 20,700 का कॉल सेल एंड 20,750 का कॉल बाय। तो वहां पे मैंने एक बेरिश स्प्रेड बनाया 11:55 को। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट में ले चलूंगा, दिखाऊंगा 11:55 को मैंने क्यों बेरिश ट्रेड बनाया, हालांकि वो ट्रेड लॉस में चला गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जब मार्केट घूम रहा था, राइट, इस यहाँ पे भी इसके बाद जब ये रेड कैंडल बनी, आप यहाँ पे देख सकते हो 11:45, और ये जो कैंडल थी 11:50 से 11:55 की कैंडल थी। तो यहाँ पे यू नो ये जो 21,000 का लेवल उसने ब्रेक किया था, वॉच द अर्लियर, सॉरी 21,000 नहीं, 20,000, ये कॉन्स्टेंट नीचे गिरता हुआ आ रहा था। और यहाँ पे जब ये मुझे लेवल दिखा कि ये ग्रीन कैंडल के बाद भी वापस रेड बना, तो मैंने सोचा कि अब ये मार्केट और नीचे जा सकता है, और ये 20,702 के नीचे जा सकता है। तो वहां पे मैंने एक बेरिश स्प्रेड क्रिएट किया, हालांकि नेक्स्ट कैंडल ही एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई। तो मैंने जो है वो वहां पे मेरी पोजीशंस वहां पे स्क्वायर ऑफ कर दी थी, और ये देखिए 12:03 को ही मैंने वहां पे पोजीशन स्क्वायर अप कर ली। फिर 12:13 पे 12:13 को मैंने एक बुलिश स्प्रेड एग्जीक्यूट किया, जब मैंने थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी ना मेरे को 3000 के आसपास का लॉस हुआ था, तो मैं थोड़ा केयरफुल रह रहा था यहाँ पे। सो फिर मैंने बुलिश स्प्रेड क्रिएट किया, और वहां पे मुझे जो है वो अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कॉल वाली पोजिशन है वो मेरी ये जो है ये मेरे को बेरिश स्प्रेड में 3000 का लॉस हुआ, और यहाँ पे 6000 प्लस का बेनिफिट हुआ। तो अल्टीमेटली 2397 पे हमने जो है वो आज अच्छा एक ग्रीन क्लोज दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पावरफुल लगा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा। पावरफुल, थैंक यू सो मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।